13 अगस्त से 2 अक्टूबर तक इसको चलाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में डेल्टा प्लस वेरिएंट से एक मौत हुई है। मुंबई में डेल्टा प्लस से पहली मौत 65 साल की महिला थी जिनकी मौत हुई है। बड़ी खबर विवेक गुप्ता दे रहे हैं और ये पहला ऐसा मामला है जिसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट से एक 65 साल की महिला की मौत हो गई है। कोरोना की दोनों डोज ले चुकी थी वो महिला और उसके बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट से ये मौत का मामला सामने आया है। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की खबर है, 65 साल की महिला। चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों डोज उनको लग चुकी थी जिसके बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट से उनकी ये मौत हो गई है। तमाम अब सवाल खड़े होते हैं, इस मौत के बाद 65 साल की महिला की मौत हुई और चौंकाने वाली बात यह है कि उनको दोनों डोज लग चुकी थी। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। विवेक, और क्या जानकारी? फरह देखिए, इस पूरे मामले में बताने जाएंगे कि डेल्टा प्लस वेरिएंट से ये महाराष्ट्र में दूसरी मौत है और मुंबई में ये पहली मौत है। बताया जा रहा है कि 65 साल की एक महिला थी, वो कोरोना वायरस की चपेट में आ चुकी थी। जब उसके पूरी टेस्ट कराए गए तो पता चला कि जो महिला है वो डेल्टा प्लस वेरियंट की चपेट में आई हुई है। तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी जिसकी वजह से अब उसकी मौत हो चुकी है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में जो डेल्टा प्लस वेरिएंट के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर राज्य सरकार भी काफ़ी चिंतित है। जून महीने में डेल्टा प्लस वेरिएंट के जो मामले थे वो सिर्फ 20 से 25 मामले थे, लेकिन अब ये पूरे बढ़कर पूरे महाराष्ट्र में 65 मामले हो चुके हैं। तो जिस तरीके से डेल्टा प्लस वेरियंट के मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्रालय भी चिंतित है और अलग अलग टास्क फोर्स के साथ मीटिंग की जा रही है ताकि ये वायरस जो खतरनाक वायरस से ज्यादा ना बढ़े। शुक्रिया विवेक। महाराष्ट्र